am looking for these companies, these banks. Banks में अगर कहीं पे भी आपका है, ये this is not a exhaustive list. इससे भी आपको अगर कुछ ध्यान में आता है दूसरा कोई, तो थाने जनता बैंक, these are all the कोई भी मल्टी चेन रिटेल कंपनीज है जहाँ पे मल्टी लोकेशन है, डीमार्ट है, रिटेल चेन्स है, डीकैथलॉन मॉल, हार्ड कैसल जैसे मैकडॉनल्ड्स, डोमिनोज, दीज आर सम कंपनीज दैट आई एम लुकिंग फॉर. देन यहाँ पे पहुंचने के लिए मेरे को मदद कर सकते हैं दीज आर दीज कंपनीज. सो एनी वन हु इज यूपीएस इन्वर्टर डीलर, सोलर कंपनीज, एमईबी कंसल्टेंट, फायर कंसल्टेंट, आर्किटेक्ट, इंटीरियर डिजाइनर, सीसीटीवी, होम ऑटोमेशन, इलेक्ट्रिकल कॉन्ट्रैक्टर, इलेक्ट्रिकल कंसल्टेंट. नाउ दीज आर ऑल पीपल हु कंसल्ट कंसल्ट द कंपनीज ऑन क्या लगाना चाहिए क्या नहीं लगाना चाहिए. जब भी प्रॉब्लम आता है तो द फर्स्ट पीपल दीज कंपनीज रन टू, या फिर जो परचेस मैनेजर एडमिन परचेस रन टू आर दीज पीपल. यस्टरडे आई वॉज टॉकिंग टू वन ऑफ द यूपीएस डीलर्स इन थाना. He had supplied his UPS to Raymond's. उनके यहाँ पे लॉकडाउन में ऐसा सिचुएशन हुआ, उनका थोड़ा टसल चालू था और उनका जो UPS था उसमें कुछ प्रॉब्लम हो रहा था. वो उन्होंने थोड़ा इग्नोर किया, हमारा प्रोडक्ट लगता तो आगे बचता था, बट वॉट हैपन अल्टीमेटली वॉज UPS जल गया बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रिकल प्रॉब्लम्स एंड द होल बिल्डिंग वॉज Raymond's. थाना में जो है उसका पूरा बिल्डिंग जल गया, उनको वापस रिकंस्ट्रक्ट करना पड़ा. नाउ दीज आर थिंग्स दैट हैपन इन मुंबई दैट वी आर नॉट अवेयर ऑफ, दीज आर नॉट समथिंग्स दैट कम इन न्यूज़पेपर, दैट इज व्हाई न्यूज़पेपर में आता है शॉर्ट सर्किट हुआ करके. सो दीज आर समथिंग्स जिस पे मैं फोकस कर रहा हूँ जस्ट टू सिंप्लीफाई थिंग्स व्हाट आई एम टॉकिंग. दिस यहाँ पे आपको फोटो दिख रहा है, वहां पे दिस इज झाड़ गिर गया ओवरहेड वायर, राइट. कभी कभी ऐसा होता है कि ये दिख रहे एनिमल्स है जो इस पे चढ़ गए और फिर ब्लास्ट हो जाता है. नाउ दीज आर कॉमन थिंग्स दैट हैपन आउट ऑफ मुंबई. मुंबई के बाहर ऐसा चीज बहुत होता है कि ट्रांसफार्मर जल गया, कभी शॉर्ट सर्किट हो जाता है. तो दीज आर सम थिंग्स दैट वी टॉक अबाउट. जनरली जब ये ऐसा होता है तो जनरली क्या होता है कि दो ओवरहेड वायर्स टच हो जाते हैं और जिसके वजह से वोल्टेज दो हो जाता है, दो चीज हो जाता है. फर्स्टली मतलब डबल वोल्टेज हो सकता है या फिर लाइन टू लाइन शॉर्ट सर्किट होता है. दो वायर अगर टच होते हैं तो उसको शॉर्ट सर्किट बोलते हैं. डबल वोल्टेज प्रॉब्लम, अगर डबल वोल्टेज प्रॉब्लम होता है तो कोई भी आपका इक्विपमेंट हो वो जलेगा, उसके लिए बना ही नहीं है कोई भी इक्विपमेंट. अगर आप फॉर एग्जांपल आप ये लैपटॉप है, प्रोजेक्टर है, वो इसमें 230 वोल्ट का सप्लाई आता है, उसके जगह पे 400 वोल्ट आ गए, मतलब लाइन न्यूट्रल के जगह पे आर एंड वाई कनेक्ट हो जाए, तो ये एक सेकेंड भी नहीं लगेगा जलने के. मोस्ट ऑफ द इक्विपमेंट्स दैट जो हम लोग बात करते हैं लाइक स्टेबलाइजर्स, यूपीएस, सब जलने वाले. दिस इज समथिंग दैट हैपेंड इन डीसीबी बैंक इन चांदनी चौक दिल्ली, जहाँ पे ट्रांसफॉर्मर जल गया जिसके वजह से सब कुछ जल गया अंदर. एंड मेन पार्ट है कि बैंक के मेन लाइन में एक स्टेबिलाईजर लगा था ये सब प्रोटेक्शन करने के लिए, वो भी जल गया. So this is something that happens. Line to line short circuit. Generally क्या है ना कि हम लोग बात करते हैं ना, Kushma ji had introduced me to a chartered engineer. So he told me and he works in HT lines. मतलब ये जो overhead wires है उनका ही वो काम है design करने का. उनसे मैं बात कर रहा था. तो he told me कि अरे सब type के protections हम लोग लगाते हैं. Everything is designed. कुछ करने की ज़रूरत नहीं है. But the reality is line में जाके bypass करके आता है. जो भी प्रोटेक्शन है वो बाईपास करके आते हैं, उसके वजह से ये जो प्रॉब्लम्स जो वहां पे रिजोल्व होने हैं वो अपने यूजर साइड पे आ जाते हैं और सब कुछ डैमेज होता है. एंड दिस इज व्हाट व्हाट हैज हैपेंड. सो मोस्ट ऑफ द टाइम सबके घर में एमसीबी है, राइट. आपको लगेगा कि एमसीबी की वजह से आपका घर प्रोटेक्टेड है, राइट. लेट मी इन्फॉर्म यू, मोस्ट ऑफ द टाइम एमसीबी रिएक्ट ही नहीं करते. अगर रिएक्ट भी करते हैं तो यू कैन टॉक टू एनी इलेक्ट्रिकल कंसल्टेंट, उसका शॉर्ट सर्किट का रिस्पॉन्स टाइम इज 3 सेकेंड्स. 3 सेकेंड्स इज एन इटर्निटी क्योंकि इक्विपमेंट हाफ सेकेंड में उड़ जाता है ऐसे प्रॉब्लम्स में. सो दिस इज समथिंग. सेकेंड प्रॉब्लम इज विद इन द सिटीज, जो मैं अभी थोड़ी देर बात कर रहा था. ये क्या दिख रहा है मालूम है, ये डिस्ट्रीब्यूशन लाइन है जहां पे न्यूट्रल वायर जल चुका है. और ये प्रॉब्लम क्या होता है, दिस इज वायरिंग प्रॉब्लम.
दिस इज नॉट वोल्टेज प्रॉब्लम, दिस इज वायरिंग प्रॉब्लम, और ये वायरिंग प्रॉब्लम हम खुद क्रिएट करते हैं, हम यूजर्स खुद क्रिएट करते हैं। मतलब लेट मी आस्क यू, आपके घरों में आपके घर का वायरिंग डायग्राम किसके पास है, कहां पे कैसे लगा है वो किसके पास है? नहीं है। तो नेक्स्ट टाइम आप किसी इलेक्ट्रिशियन को बुलाओगे और मेरे को एक एसी और लगाने का है, तो कहां पे लगाएगा, कैसे लगाएगा? नाउ जनरली अगर बैलेंसिंग नहीं होता, तीनों फेस का लोड्स बैलेंस नहीं होता, तो न्यूट्रल वायर ओवरलोड होता है और उसके वजह से न्यूट्रल जल जाता है। न्यूट्रल जब भी जलेगा तो भी मेन लाइन में से जलेगा और अपना दूसरे इसमें से आएगा और फिर वो जला देगा इक्विपमेंट को। नाउ क्वेश्चन इज, न्यूट्रल वायर अगर अभी मेरे पास तो सिंगल फेज है ना, न्यूट्रल थ्री फेज का सवाल ही नहीं उठता। बट व्हेन यू थिंक अबाउट इट, आपके बिल्डिंग में थ्री फेज सप्लाई आ रहा है, किसी और ने कुछ लोड बढ़ा दिया तो भी आपके यहाँ पे जल सकता है। नाउ दिस इज समथिंग दैट हैपेंड इन पुणे 2 weeks back, जहां पे मेरे को इंक्वायरी आया था कि बिल्डिंग में 3-4 लोगों का टीवी फ्रिज जल गया, सेम रीजन। तो समथिंग दैट हैपेंड इन डीकैथलॉन मॉल। नाउ दिस इज समथिंग जो मैं आगे रन करूंगा, दिस इज अ प्रोडक्ट दैट वी ऑफर, जो मेन लाइन में लगता है। मेन लाइन में लगने के बाद एवरीथिंग इज कवर्ड, इवन शॉर्ट सर्किट के केस में हम लोग इसमें अभी हम लोग जो यूज करते हैं एमसीबी से फास्ट प्रोटेक्शन देते हैं, तो आपके घर में एमसीबी है उससे भी फास्ट मेरा प्रोडक्ट चलता है, जिससे कि आपका इक्विपमेंट जलेगी। So this is something that is required to prevent fires. 90% of the cases of fires are because of short circuits. The short circuit protection MCB reacts after the short circuit happens. Short circuit होना चाहिए तभी जाके MCB react करेगा. And my product is to prevent the short circuit in the first place. So this is something that जो हम लोग generally अगर देखते हो तो main distribution board है उसके पहले ये product लगता है. So ये actual ये है. This is a Bangalore का installation है through my dealers. Generally, this is something that people will talk about. जब भी आप बात करते हो, I mean, people will not normally talk about this. But आग लग गया, TV fridge उड़ गया, area का cable जल गया. These are all the things that people will say. And this is something that you should listen for when you are talking to people. Apart from this, we have certain यहाँ पे LED lights के लिए लगा सकते हैं, LED walls के लिए हम लोग ने लगाया, जैसे थाना का साइट है यहाँ पे ये प्रोडक्ट लगा है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में ये प्रोडक्ट लग सकता है, EV chargers के लिए हमारा प्रोडक्ट जा चुका है, there are many applications, सभी पेट्रोल पंप में वैसे भी मेरा प्रोडक्ट है, but I want to offer it for the complete पेट्रोल पंप, अभी के टाइम पे सिर्फ पेट्रोल पंप के डिस्पेंसर्स के लिए मेरे प्रोडक्ट लगे, बट ये इनविजिबल है, आपको नहीं दिखेंगे कभी। सीसीटीवी एनटीपीसी के सभी प्रोजेक्ट्स में मेरा प्रोडक्ट जाता है, एनटीपीसी के दिस इज अ प्रोजेक्ट रिक्वायरमेंट में आ जाता है। सोलर पैनल्स में बहुत सारे सोलर कंपनीज मेरे को रेफर करते हैं, आफ्टर एक दो बार उनका सोलर एक इक्विपमेंट उड़ जाता है, सोलर इन्वर्टर उड़ जाता है। सो जनरली आग लगने के बाद लोग ढूंढना चालू करते हैं कि क्या हुआ। ये एक कस्टमर है जिसको पहली बार बोला था, तभी वो बोला कि अरे बहुत महंगा है, फिर उसने 1.5 लाख का खर्चा किया, देन ही केम बैक टू मी। ये लगाने के बाद में एक साल 1.5 लाख का खर्चा इसके बाद में मेरे पास आ गया, एक साल के बाद में उसका कुछ प्रॉब्लम आया नहीं, सो खर्चा नहीं आया, ही गिव मी अ फीडबैक, दिस इज व्हाट इज इंपॉर्टेंट, दिस इज ऑल अबाउट थैंक्स। सो दैट्स इट। सो इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस।